नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका के वार्ड 20 के सभासद पद के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने लोगों से कार पर मोड़ लगाकर वोट की अपील की है। वहीं उन्हें वार्डवासियों का समर्थन भरपूर मिल रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि मोहम्मद सलीम जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं और सभी के काम आते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने बताया कि हमारे वार्ड में पूर्व सभासद ने कुछ काम नहीं किया है, वहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। सड़कें, नालियाँ, बिजली खंभे बहुत अभी काम रह गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बारिश के टाइम पर जगह जगह पानी भरा रहता है और जगह जगह कूड़ा रहता है और पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। वार्डवासियों का कहना है कि मोहम्मद सलीम से उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीतकर वार्ड में विकास कार्य कराएंगे। क्षेत्र के मतदाताओं में अपने प्रत्याशी मोहम्मद सलीम को लेकर भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव के सफ़र में आज हम लोग आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 20 में, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पूरे दमखम लगाए हुए हैं। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है और सभी प्रत्याशियों ने अपने पूरे जोर लगाए हुए हैं अपने प्रचार में। जगह जगह घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं और अपने पूरे दमखम लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। उसी कड़ी में आज हम फिर से वार्ड नंबर 20 में आए हैं और जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी से कि वो किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उनके समस्याएं हैं जो जनता को निजात दिलाकर अपनी जीत को पक्का कर सके। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 20 के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सलीम से। जी, आपका नाम? जी सर, मोहम्मद सलीम। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ये सफाई का मुद्दा है जी। और हमारे यहाँ सड़कें बहुत ख़राब हैं और जितने भी यहाँ तमाम हमारे लोग हैं वो सभी चीज़ों से बहुत पीड़ित हैं। कोई योजना नहीं आती हम लोग तक और जितने भी हमारे वार्डवासी हैं सब इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, उसको लेके हमारे। अभी हाल ही में जिस तरीके से वार्ड का विस्तार हुआ है, सरकार ने सभी वार्डों का विस्तार कर दिया है, वार्ड को बढ़ा दिया गया है, ये एक प्रत्याशी के लिए अच्छा हुआ है या गलत हुआ है, क्या राय है आपके इस बारे में? इसमें मेरा वार्ड तो वही रहा है जो था, तो जो सरकार ने किया अच्छा ही किया होगा। मेरा वार्ड उतना जितना था उतना ही रहा, बड़ा नहीं है घटा नहीं है। सभी मतदाताओं तक आपकी पहुंच हो चुकी? लगभग पूरी हो चुकी। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का रुझान मिल रहा है आपको जनता की तरफ से? इंशाल्लाह जीत होगी हमारी, अल्लाह ने चाहा जीत होगी। सब लोग साथ हैं, सब लोगों का प्यार मिल रहा है, सब लोगों की दुआएं हमारी साथ हैं, वोट सपोर्ट पूरे वार्डवासियों की मेरी साथ हैं। और मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और पिछली बार भी मैं फाइट मेरे से ही हुई थी प्रत्याशी की, हनीपाल जी की, तो मैं समझता हूँ कि इस बार मैं चुनाव में विजय होगा। जनता से भी पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं इनके, क्या किस तरह के प्रत्याशी को देख रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप प्रत्याशी को देख रहे हैं? सलीम भाई इस वार्ड में काम करने वाले हैं। मुद्दे, मैं मुद्दे पूछना चाह रहा हूँ, मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? हमारे मुद्दे क्या, जो भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हल करते हैं ये हमारे। मुद्दे अभी फिलहाल वार्ड में क्या हैं आपके, क्या मुद्दे हैं? सड़कें वड़के बननी है, नाली खड़ौंजे बनने हैं, लाइट की समस्या है, आइडल की समस्या है, यही समस्या है फिलहाल। तो फिलहाल प्रत्याशी आपकी समस्याओं पर खड़े उतर पूरा पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप प्रत्याशी के अंदर, आगे आइए, क्या देख रहे हैं आप प्रत्याशी के अंदर? ये हमारे भाई सलीम साहब जो है 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक के एक दफ़े भी ये मेंबर नहीं बने, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत करी है वार्ड के लिए। किस जगह कोई भी काम हो, राशन कार्ड का काम हो, बिजली का काम हो, नगर पालिका का काम हो, तहसील का काम हो, ये अपना सब कुछ छोड़ के भाई सलीम जो है एकदम साथ लगते हैं, सबके फेवर में हैं ये भाई सलीम। 15 साल से मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी विजय हमारी होगी, हमारे भाई सलीम की विजय होगी। पिछले जो सभासद रहे हैं यहाँ पे, क्या कमियाँ रह गई है उनसे, क्या क्या उम्मीदें अब लगा के बैठे हुए आप उनसे? नहीं, पिछले सभासद ने भी काम करा, लेकिन हमारे सभा हमारे तो जो 15 साल से मेहनत कर रहे भाई सलीम जी, एक वार्ड के नहीं तीनों वार्ड का काम करते हैं जी। बिजली का हो, अस्पताल का हो, नगर पालिका का हो, 24 घंटे पब्लिक की सेवा में खड़े रहे हैं, तो कहते तो हम इन्हीं को जिता रहे हैं सलीम भाई को, 20 वार्ड से। फिलहाल अभी सबसे अहम मुद्दा क्या है वार्ड का? मेन मुद्दा तो ये होता है जी के जितनी भी हमारी सड़कें हैं जी, जो मौजूदा वो हैं हमारे यहाँ मेंबर जी,
वो मुस्लिम क्षेत्र में बहुत कमी से काम हुआ है, इसलिए हमने को इलेक्शन लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह जीत के दावेदार रहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। क्या मुद्दे हैं अभी वार्ड के, क्या समस्याएं हैं जिनको देखकर आप प्रत्याशी को देख रहे हैं? प्रत्याशी को देख रहे हैं, काम करने वाले प्रत्याशी हैं, पिछले 15 साल से लोगों के संपर्क में रहे, उनकी बीमारियां हो या किसी भी हालात में ये उनके साथ संपर्क में रहते हैं। एक ज़मीनी स्तर का जो नेता होता है वो सलीम भाई के अंदर बात है, ऐसा नहीं है ये बेचारे दो बार पहले भी चुनाव लड़ चुके लेकिन कुछ कारण रहे जिनकी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इंशाल्लाह आपके बहुत ही भारी मतों के साथ ये जीत रहे हैं। और मुद्दा तो क्या है, मुद्दा एक साफ़ सफाई का मुद्दा है कि जो विपक्षी बीजेपी का जो सभासद है वो उसने मुस्लिम इलाके खासकर उसके टारगेट पे देखे। आप यदि अगर बारिश के बाद जो हालात अब हैं फिलहाल में मौजूदा, आप गलियों में जाओ आप देखो कीचड़ में निकल के जाओगे। बारिश यदि बरसात के समय पे जब लगातार बारिश होती है कीचड़ दो दो फुट का कीचड़ होता है, लोग उसमें को पार करके जाते हैं। सभासद को प्रयास करते हैं बुलाने का, वो बंदा फ़ोन तक नहीं उठाता, तो काम तो हमारे तब करेगा वो। यही सबसे बड़ा मुद्दा है एक सभासद की पहचान का, कि जो बंदा जनता के काम आ सके, इसके बड़ा और कुछ नहीं है। और सलीम भाई के अंदर वो क्वालिटी है और इंशाल्लाह सभी लोग इनके साथ दिल से हैं। और ये नहीं मैं नहीं, सभी समाज का सभी बिरादरी का लोग इनके साथ है। बिरादरी को देख के हमारे वार्ड के अंदर चुनाव नहीं होता, हमारे वार्ड के अंदर ना पैसे का चुनाव होता, हमारे यहाँ चुनाव जो होता है वो इंसान का होता है। लोगों को परखनी हुई दो बार के इनके साथ जो हुआ है, लोगों को परखनी हुई, लेकिन इंशाल्लाह आपके लोगों को परखे नहीं, दिल की गहराइयों से वो लोग सभी इनके साथ हैं। और अथक प्रयास इनका भी ये रहेगा, मैं भी इनसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि जो लोग इन्हें इतने दिल से तहे दिल से अभी तक जो इनको प्यार मिल रहा है उस प्यार को ये आने वाले 5 साल तक खरा उतरे। और इंशाल्लाह अगर ये उम्मीद पर खरा उतरेंगे तो लोगों के दिलों से कभी उतरने के नहीं, ये सबसे बड़ा हमारा प्रयास है और उम्मीद है इनसे। बात वही है, समस्याएं लगभग सभी जगह एक ही है, गंदगी, सड़कें, बिजली, पानी, लगभग समस्याएं सभी जगह एक है। मगर सबसे बड़ी बात है कि लोग जाति धर्म से उठकर ऊपर उठकर पार्टी से ऊपर उठकर एक ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो उनके सुख दुख में उनके साथ में खड़ा हो सके। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी से ही हो या किसी अपने दल से हो, वो प्रत्याशी निर्दलीय भी हो सकता है, क्योंकि जनता को एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उनके लिए सदा खड़ा रहे। मैं निखिल गुप्ता सीके न्यूज़ के लिए कैमरामैन शाहनवाज हुसैन के साथ, देखते रहिए सीके न्यूज़ चोगामा की आवाज़ को, जनता की आवाज़ सच का साथ।